नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवराम सिंह और आप देख रहे हैं स्मार्ट पॉइंट। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि भारतीय स्टेट बैंक में आप अपने घर बैठे अपने अकाउंट को कैसे क्रिएट कर सकते हैं, वो भी बिना ब्रांच में जाए हुए। जी हां दोस्तों, आपको ब्रांच जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, लाइन में लगने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब बैंक ने एक ऐसा सिस्टम कर दिया है जो कि आप घर बैठे ही अपना अकाउंट खोल सकते हैं। जी हां दोस्तों, और उसमें फैसिलिटीज़ भी आपको सारी मिलती हैं। तो मैं इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा कि SBI में आप कैसे अकाउंट ओपन कर सकते हैं और क्या क्या फैसिलिटीज़ उसमें आपको मिलेंगी। तो चलिए दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के लास्ट तक, बिल्कुल स्किप ना कीजिए, क्योंकि अगर स्किप करेंगे तो ये एक ऐसा वीडियो है, अगर एक भी पॉइंट आपसे मिस हो गया तो आप अकाउंट क्रिएट नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आप जो है वीडियो को विदाउट स्किप किए हुए पूरा कंटिन्यू देखिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, आपके इसके लिए एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पे आप प्ले स्टोर में जाके SBI योनो टैप कीजिए। इस टैप से आपके सामने कुछ इंटरफेस आएगा, तो यहाँ पे ये लोगो आप देख लीजिए, योनो का ये लोगो आएगा, इसे आप जो है इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल करने के बाद मैं आपको बता दूँ इसमें आपको क्या करना रहेगा। मैंने इंस्टॉल कर रखा है, तो मैं यहाँ से सीधा जो इसे ओपन किए ले रहा हूँ। ओपन करने के बाद थोड़ा सा ये फर्स्ट टाइम कुछ लोडिंग लेगा, इस तरीके से आपके सामने ये इंटरफेस खुल के आएगा। इसमें जो है दो कैटेगरी आपके सामने खुल के आएंगी, मैं दोनों का आपको थोड़ा सा बताऊंगा कि दोनों में क्या क्या डिफरेंस है और क्या क्या फैसिलिटीज़ आपको मिलती हैं। तो यहाँ पे देखिए दो ऑप्शन आ रहे हैं, एक तो एग्जिस्टिंग कस्टमर के लिए, एक न्यू के लिए। तो आपको नीचे वाले न्यू पे जो है क्लिक करना रहेगा, इस वाले पे। तो इस वाले पे चलिए मैं क्लिक करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो कुछ आपके सामने इस तरीके से ओपन ओके विंडो एक आएगी, जहाँ पे आपको एक डिजिटल सेविंग अकाउंट और एक इंस्टा सेविंग अकाउंट दो ऑप्शन मिलते हैं। जी हाँ दोस्तों, दोनों ऑप्शनों के लिए आपको मैं बता दूँ, इन दोनों में से अगर आप कोई सा भी अकाउंट क्रिएट करना चाह रहे हैं तो इसके लिए फर्स्ट टाइम आपको तीन चीज़ों की रिक्वायरमेंट रहेगी। वो तीन चीज़ें क्या हैं मैं आपको बता दे रहा हूँ। सबसे पहले तो एक आपका मोबाइल नंबर, ठीक है दोस्तों, दूसरा आपका आधार नंबर, और तीसरा यहाँ पे है पैन नंबर। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर दूँ, यहाँ पे 18 साल से नीचे का अकाउंट नहीं खोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे विदाउट पैन कार्ड के नहीं खुलेगा, और 18 साल से नीचे का पैन कार्ड होता नहीं है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, आपको अकाउंट ओपन करने के लिए मोबाइल नंबर, आधार और पैन कार्ड, ये तीन चीज़ों की आवश्यकता पड़ने वाली है। तो इन चीज़ों को जो है अपने सामने आप जो क्लियर करके रख लीजिए, जो कि यहाँ पे जैसे ये मांगेगा तो आप फटाक से इसमें डालते चलिए। इन तीनों चीज़ों को अपने सामने रख लीजिए। तो तीनों चीज़ें सामने रखने के बाद यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा दोनों अकाउंट के बारे में जानकारी दे दूँ। यहाँ पे डिजिटल सेविंग अकाउंट और इंस्टा सेविंग अकाउंट दो कैटेगरी आपको मिल रही हैं। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, इंस्टा सेविंग अकाउंट अगर आप क्रिएट करते हैं तो इसमें आपको जो है ब्रांच जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्टली अपना घर बैठे अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। आपको अकाउंट नंबर, ऑनलाइन फैसिलिटीज़, ऑनलाइन बैंकिंग सारा कुछ यहीं पे मिल जाएगा। अच्छा, इसमें मैं आपको बता दूं, इसमें आपको एक रुपए डेबिट कार्ड मिलेगा, और इसमें मिनिमम बैलेंस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपको मिनिमम कितना बैलेंस रखना है अकाउंट में, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर आपको एक रुपए डेबिट कार्ड मिलेगा। दूसरा, डिजिटल सेविंग अकाउंट की बात करते हैं तो डिजिटल सेविंग अकाउंट में आपको जो है यहाँ पे रुपए कार्ड की जगह पे प्लेटिनम डेबिट कार्ड मिलेगा, जो बहुत ही कम अकाउंटों पे बैंक इशू करती है। तो यहाँ पे आपको एक प्लेटिनम डेबिट कार्ड मिलेगा, जिसकी ट्रांजेक्शन लिमिट भी ज़्यादा रहती है, और मिनिमम बैलेंस की कोई रिक्वायरमेंट यहाँ पर नहीं दी गई है। लेकिन दोस्तों, इन दोनों में एक डिफरेंस है, इंस्टा सेविंग अकाउंट अगर आप क्रिएट करते हैं तो आपको ब्रांच नहीं जाना पड़ेगा, अगर आप डिजिटल सेविंग अकाउंट क्रिएट करते हैं तो आपको एक बार जो है ब्रांच विजिट करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे आपका जो है ई वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद ही आपको अकाउंट नंबर प्रोवाइड किया जाएगा। बाकी यहाँ पे दोनों में मैंने बता दिया, लगभग सारी चीज़ें सेम है, थोड़ा सा डिफरेंस है डेबिट कार्ड में। डिजिटल सेविंग अकाउंट में आपको प्लेटिनम डेबिट कार्ड मिलेगा, इंस्टा सेविंग अकाउंट में आपको रुपए डेबिट कार्ड मिलेगा। डिजिटल सेविंग अकाउंट में ट्रांजेक्शन की कोई लिमिट नहीं रहेगी, और इंस्टा सेविंग अकाउंट में थोड़ी सी ट्रांजेक्शन लिमिट रहेगी, ठीक है दोस्तों। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ, दोनों का अकाउंट खोलने का प्रोसीजर सेम है, बस लास्ट में आपको इंस्टा सेविंग अकाउंट में जब आपका फाइनल हो जाएगा तो अकाउंट नंबर यहीं पे मिल जाएगा, और डिजिटल सेविंग अकाउंट में एक आपको रेफरेंस नंबर मिलेगा, जिसे लेके आपको ब्रांच के लिए जाना पड़ेगा। जो भी आपकी नियरेस्ट ब्रांच है वहाँ पर जाके आप उसे देंगे, आपको वहाँ से अकाउंट नंबर मिल जाएगा तुरंत ही।
ठीक है दोस्तों, चलिए अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि आपको अकाउंट कैसे खोलना रहेगा। तो मैं यहाँ पे डिजिटल सेविंग अकाउंट खोल के दिखा रहा हूँ आपको। प्रोसीजर दोनों का सेम है, दोनों की कंडीशनें सेम है, थोड़ा सा बस फैसिलिटीज़ में अंतर है और ज़्यादा कुछ नहीं है। तो चलिए मैं आपको डिजिटल सेविंग अकाउंट ओपन करके एक दिखा दे रहा हूँ कि यहाँ पर कैसे ओपन करते हैं। तो चलिए मैं सबसे पहले यहाँ पर अप्लाई नाउ पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर अप्लाई नाउ पर क्लिक किया, इसके बाद आपके सामने ये दो मेन्यू आ रहे हैं, अप्लाई न्यू और रिज्यूम। ये दोनों मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसमें रिज्यूम और अप्लाई न्यू के लिए क्या है। अप्लाई न्यू का तो आप समझ ही रहे होंगे कि अगर आप न्यू फर्स्ट टाइम इस पर आए हैं तो अप्लाई न्यू पे क्लिक कीजिए, या आप अगर पहले से इसमें अकाउंट खोल रहे थे, आपका अकाउंट अधूरा रह गया है, तो आप रिज्यूम पे जाके वहाँ पे आपका मोबाइल नंबर और पासवर्ड मांगेगा, तो आप मोबाइल नंबर और पासवर्ड वहाँ पे डाल दीजिए, आपका ये जहाँ पे स्टॉप हुआ था वहीं से कंटिन्यू हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मैं अप्लाई न्यू पे किए दे रहा हूँ। यहाँ पे मैंने अप्लाई न्यू पे किया, अब यहाँ पे आपको ये बता रहा है सारी कंडीशनें कि आपको क्या क्या चाहिए। यहाँ पे देखिए बता रहा है सिंगल ब्रांच विजिट रिक्वायर्ड, यहाँ पे आपको एक बार जो है जाना पड़ेगा ब्रांच के लिए, और दूसरा प्लेटिनम डेबिट कार्ड आपको मिलेगा, तीसरा जो है, चौथा जो है नो मिनिमम बैलेंस चार्ज है। यहाँ पे मिनिमम बैलेंस चार्ज आपसे कुछ नहीं लिया जाएगा, ठीक है। दोनों में सेम कंडीशन है, लेकिन यहाँ पे दोनों में 18 साल से ऊपर की उम्र होना जरूरी है, और दोनों के लिए आपको आधार नंबर पैन नंबर कंपलसरी है। यहाँ पे नीचे दिख भी रहा है, जस्ट कीप योर आधार एंड पैन नंबर हैंडली, यानी कि अपना आधार और पैन नंबर रेडी रखिए। तो यहाँ पे मैं नेक्स्ट करता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे आपसे मेल आईडी आपकी पूछेगा, तो आपकी जो भी मेल आईडी है वो यहाँ पे डाल दीजिए। मैं यहाँ पे डेमो के लिए आपको कुछ भी डाल के दिखा दे रहा हूँ, बाकी इसमें ज़्यादा मेल आईडी का रोल नहीं है, इस पर केवल आपके पास मेल जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कुछ भी डाल के दिखा दे रहा हूँ आपको, आपके पास अगर है तो आप अपना डाल लीजिए। तो मैंने यहाँ पे मेल आईडी डाल दी, उसके बाद यहाँ पे जो है देखिए मोबाइल नंबर आपसे मांग रहा है, तो यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डाल दिए जो आपको बैंक में रजिस्टर्ड करना है। तो यहाँ पे मैंने अपना मोबाइल नंबर डाल दिया, नीचे रेफरल कोड आ रहा है। रेफरल कोड का मैं आपको बता दूँ, आपके पास ये रेफरल कोड नहीं होगा, क्योंकि ये जो भी बैंक का कर्मचारी है उसी के पास होता है, तो आपके पास इससे नहीं रहेगा। अगर आपके पास नहीं है तब भी ये ले लेगा, अगर है तो डाल दीजिए, नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप जो है यहाँ पे सीधा नीचे आके सबमिट पर क्लिक कर दीजिए। वैसे मैं मेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप वहाँ से भी इसमें लेके और डाल सकते हैं, ठीक है। मैं डिस्क्रिप्शन में इसकी रेफरल आईडी मेंशन कर रहा हूँ, और वहाँ पे डाउनलोड का लिंक भी दे दूंगा, वहाँ से आप योनो वाला ऐप जो है डाउनलोड भी कर सकते हैं। सबमिट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आगे ये आपसे ओटीपी पूछेगा, जो आपने मोबाइल नंबर इसमें दिया हुआ है उस पर आपके पास एक ओटीपी भेजेगा, ये वो ओटीपी आपको यहाँ पे एंटर करना रहेगा। तो मैंने यहाँ पे अपना जो है ओटीपी डाल दिया है जो मेरे मोबाइल पे आया हुआ था, और इसके बाद मैं ऐसे सीधा सिंपल सबमिट किए दे रहा हूँ। सबमिट करने के बाद यहाँ पे आपसे एक पासवर्ड बनाने के लिए पूछेगा, तो यहाँ पे आप जो अपना कोई भी पासवर्ड एक बना लीजिए, जो नंबर एक और कैपिटल स्मॉल दोनों में और स्पेशल कैरेक्टर में मिक्स होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको मैं बता दूँ, कैपिटल स्मॉल स्पेशल और नंबर एक तीनों चीज़ों का मिक्स होना चाहिए, तभी आपको यहाँ पर पासवर्ड बनाना है। चलिए मैं यहाँ पे फटाफट एक जो है पासवर्ड बना ले रहा हूँ। मैंने अपने यहाँ पे पासवर्ड बना लिया है। नीचे आपसे एक सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछ रहा है, ये सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसमें से आपको जो भी अच्छा लगता है वो आप क्वेश्चन यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। मैं यहाँ पे जो है इन्वेस्ट वाला किए ले रहा हूँ कि फर्स्ट इन्वेस्ट मैंने कहाँ किया है, और बाकी यहाँ पे मैं आंसर में अपना SBI डाले दे रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे तक करने के बाद आपको नीचे सिंपली क्लिक करना रहेगा नेक्स्ट पे। नेक्स्ट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ एक न्यू विंडो आएगी कुछ इस तरीके से। ये आपके सामने जो है एक फटका का फॉर्म आएगा जिसमें यस नो आपको करना है, तो यहाँ पे आपको केवल यस करना है, यस करके आगे बढ़ जाइए। और इसके बाद आपके पास तीन ऑप्शन आएंगे, स्कैन आधार कार्ड, QR कोड, एंटर आधार नंबर। यानी कि पहले वाले पर अगर आप स्कैन करना चाह रहे हैं तो स्कैन करके आप आधार की डिटेल्स में ला सकते हैं, और दूसरा यहाँ पे मैनुअली आप डाल सकते हैं, तीसरा है एंटर CKYC नंबर। ये आपके पास नहीं होगा तो ये ऑप्शन आपके काम का नहीं है, ये ऑप्शन अगर कोई ब्रांच वाला ओपन कर रहा है आपका अकाउंट तभी वो डाल सकता है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे मैं सिंपली बीच वाले पे क्लिक करके आधार नंबर अपना एंटर किए दे रहा हूँ, जो भी आधार नंबर है वो यहाँ पे एंटर कर दीजिए। मैं कस्टमर का यहाँ पे आधार नंबर एंटर किए दे रहा हूँ, तो चलिए फटाफट से मैं डाले ले रहा हूँ आधार नंबर।
तो यहाँ पे मैंने आधार नंबर डाल दिया, नीचे टाइटल दे दीजिए जिसका भी आप अकाउंट खोल रहे हैं उसका टाइटल दे दीजिए, और यहाँ पे जो है आप जो है सिंपली उसका नाम डाल दीजिए जिस नाम से उसका आधार कार्ड है। तो मैं यहाँ पे डाले दे रहा हूँ, यहाँ पे मैंने डाल दिया है। नीचे कैटेगरी आप सिलेक्ट कर दीजिए मेल फीमेल क्या है, नीचे इसके डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिए। ये मैंने डेट ऑफ बर्थ डाल दी है, यहाँ पे आप एक बार देख लीजिए, और नीचे आ रहा है माई कॉरस्पॉन्डेंट एड्रेस डिफरेंस। अगर आपका कॉरस्पॉन्डेंट एड्रेस डिफरेंस है तो आप यहाँ पे क्लिक कीजिए, आधार से अगर मैच नहीं कर रहा है तो, और अगर मैच कर रहा है तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे टिक करने की, सीधा आप जो यहाँ पे नेक्स्ट कर दीजिए। तो यहाँ पे नेक्स्ट करने के बाद ये आपसे जो है सिटी प्लेस ऑफ बर्थ पूछेगा, तो आप अपनी जगह का नाम डाल दीजिए। तो मैं यहाँ पे डाल दे रहा हूँ विलेज का नाम, जो हमारे यहाँ अकाउंट जिसका मैं खोल रहा हूँ उसका मैं आधार के हिसाब से ही डाल दे रहा हूँ उसका विलेज। तो मैंने डाल दिया है। कंट्री ऑफ बर्थ में आप यहाँ पे डाल दीजिए, मेरा इंडिया से है तो इंडिया से डाल दे रहा हूँ। सिटीजनशिप में भी इंडिया के ये दे रहा हूँ, नेशनलिटी में इंडिया, इनमें आपको तीनों में इंडिया कर देना है, ठीक है। इसके बाद इसे नेक्स्ट कीजिए, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया, नंगला वक्त, ठीक है। इसके बाद इसे नेक्स्ट कर दीजिए। अब यहाँ पे आपसे पैन नंबर पूछेगा, अब यहाँ पे जो भी पैन कार्ड नंबर है आपका वो यहाँ पे आप एंटर कर दीजिए। तो मैं यहाँ पे एंटर किए दे रहा हूँ, मैंने यहाँ पे पैन नंबर डाल दिया। पैन नंबर डाल के फिर से यहाँ पे नेक्स्ट कर दीजिए। यहाँ पे नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए पर्सनल डिटेल के लिए आ रहा है, तो यहाँ पे आई एग्री पे आप चेक कर दीजिए और उसके बाद नेक्स्ट कर दीजिए। इसके बाद देखिए यहाँ पे आ रहा है टेक ए सेल्फी अपलोड ए रिसेंट फोटोग्राफ, यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिल रहे हैं। तो टेक ए सेल्फी से आप डायरेक्टली अपने मोबाइल से जो है पिक्चर उसकी लेके यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, और अगर आपके पास मोबाइल में पहले से सेव है तो आप यहाँ पे अपलोड ए रिसेंट फोटोग्राफ पे कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फिलहाल तो मेरे पास कस्टमर नहीं है, तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँ, मैं आपको डेमो में थोड़ा सा दिखाने के लिए कस्टमर का फोटो आधार कार्ड से ही लिए ले रहा हूँ थोड़ा सा दिखाने के लिए आपको। तो यहाँ पे इस तरीके से आएगा, आप कैमरे के ऊपर क्लिक कीजिए और देखिए यहाँ पे जो है डायरेक्टली उसका आ रहा है। तो ये यहाँ पे लेने के बाद मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पे थोड़ा सा फ़ोटो का साइज़ मैं सही कर देता हूँ, इस तरीके से यहाँ पे एडिट कर लीजिए, और एडिट करने के बाद जो है फ़ोटो का साइज़ जो है थोड़ा सही कर लीजिए। ठीक है, तो मैं इसे यहाँ पे ओके किए दे रहा हूँ, ये देखिए फोटो आ गया है। यहाँ पे मैं आपको डेमो में दिखाने के लिए मैंने आधार कार्ड की फ़ोटो कॉपी से ही ले लिया है, आप डायरेक्टली खींचिए, आप डायरेक्टली सेल्फी लीजिए उसकी, तब यहाँ पे कीजिए कलर्ड, ठीक है। मैं आपको ये केवल डेमो में दिखा रहा हूँ, वैसे ये सही नहीं है क्योंकि ब्लैक एंड वाइट भी है और जो है साफ नहीं आ रही है। तो यहाँ पे जो आप इस पे जो सही का निशान नीचे लग के आ रहा है इस पे क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद इस तरीके से कुछ आपके सामने अगला आ गया एडिशनल डिटेल का, तो यहाँ पे जो भी आपका वो है यहाँ पे आप अपना सेलेक्ट कर लीजिए। मैं यहाँ पे ब्लू SSC पे किए दे रहा हूँ, और यहाँ पे सिंगल है मैरिड है जैसा भी है वो आप कर दीजिए, ठीक है। इसके बाद जो है उसकी एडिशनल डिटेल पूछेगा, तो यहाँ पे उसके फादर का नेम डाल दीजिए, जो भी उसके फादर का नाम है। मैं यहाँ पे डाले दे रहा हूँ। इसके बाद नीचे टाइटल सेलेक्ट करके उसकी मदर का नाम डाल दीजिए, मदर का नाम जो भी है। ठीक है, नीचे स्पाउस नेम डाल दीजिए जो भी उसका हो, तो यहाँ पे मैं डाले दे रहा हूँ।
ठीक है, ये भी फॉर्म मैंने कंप्लीट कर लिया। इसके बाद इसे जो नेक्स्ट करता हूँ, नेक्स्ट करने के बाद ये आपकी इनकम पूछेगा। तो यहाँ पे INR 0 से 20 हज़ार तक मैं किए दे रहा हूँ। इसके बाद सर्विस में अदर पे करूँगा। अदर में जो है मैं जैसे कि लेडीज़ का खोल रहा हूँ, ये हाउस वाइफ हैं, तो मैं हाउस वाइफ पे यहाँ पे क्लिक कर दूंगा। इसके बाद ये हिंदू क्रिश्चियन मुस्लिम सिक्किम क्या है, तो मैं हिंदू हूँ तो हिंदू पे ही टिक कर दे रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद जो है आपसे यहाँ पे मिलेगा स्कैन नॉमनी आधार कार्ड एंटर नॉमनी डिटेल। यहाँ पे आप दो में से कोई भी ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। आप जिसे भी नॉमनी कर रहे हैं अपने अकाउंट में, अगर आपके पास उसका आधार कार्ड है तो यहाँ से उसका सीधा स्कैन भी कर सकते हैं। अगर नहीं है तो आप मैनुअली यहाँ पे एंटर नॉमनी डिटेल पे जाके डाल सकते हैं। तो यहाँ पे जो है नॉमनी का नाम डाल दीजिए, रिलेशनशिप डाल दीजिए, उसकी डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिए। ठीक है, इस तरीके से आप जो है नॉमिनी डिटेल यहाँ पे फिल कर दीजिए। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट कर दीजिए। नेक्स्ट करने के बाद अब यहाँ पे नॉमिनी का एड्रेस आपसे पूछेगा, तो यहाँ पे एड्रेस डाल दीजिए। इसके बाद यहाँ पे अपना पिन कोड, एड्रेस डालने के बाद आप अपना पिन कोड डाल दीजिए। पिन कोड डालने के बाद यहाँ पे सिटी स्टेट वगैरह ऑटोमेटिक उठा लेगा। इसके बाद आपको सिंपली यहाँ पे नेक्स्ट करना रहेगा। ये नॉमिनी डिटेल भी हमारी कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आपसे दो कैटेगरी पूछेगा, यहाँ पे GPS और लोकेलिटी, यानी कि ये ब्रांच के लिए पूछ रहा है कि आप अपना कौन सी ब्रांच में जो है अकाउंट क्रिएट करना चाह रहे हैं, आपके नियरेस्ट कौन सी है। तो यहाँ पे मैं बाय लोकेलिटी पे क्लिक किए दे रहा हूँ और नेक्स्ट किए दे रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जो है अब क्या है, ये आ गया सिलेक्ट योर होम ब्रांच। तो आप अपने जौन सी भी नज़दीक ब्रांच में आप जहाँ भी खुलवाना चाह रहे हैं तो उस जगह का यहाँ पे नाम डालिए, यहाँ पे ऑटो सर्च होके आ जाएगा। तो जैसे कि मैं यहाँ पे खुलवाना चाह रहा हूँ राजा का रामपुर शाखा में, तो यहाँ पे मैं डालूँगा राजा का, मैंने इतना डाला। देखिए सबसे पहले ऊपर ही राजा का रामपुर तहसील अलीगंज ये खुल के आ गया है। अब यहाँ पे सीधा ये देखिए एक बॉक्स आ रहा है, इस पर आपको टिक कर देना है। जौन सी भी शाखा में आपको खुलवाना है उसके आगे आपको टिक कर देना है। टिक करने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट कर दीजिए। ये आपका जो है राजा का रामपुर ब्रांच में खुल रहा है। अब यहाँ पे आएगा रीड टर्म कंडीशन, तो इसके ऊपर आप टिक कीजिए और जो है इस तरीके से इसको ऊपर स्क्रैच कर दीजिए सारी कंडीशनों को। जो भी है पढ़ना चाहे तो आप पढ़ लीजिए बारीकी से, और इसके बाद इस तरीके से करने के बाद यहाँ पे चेक कर दीजिए, क्योंकि जब तक आप इसे टर्म कंडीशन को स्क्रैच के ऊपर नहीं करेंगे तब तक यहाँ पे चेक नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट कर दीजिए। और इसके बाद यहाँ पे दोबारा से नेक्स्ट कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पे एक OTP आपके पास और जाएगा। जी हाँ, ये 2 बार OTP जाता है, ये फर्स्ट टाइम गया था और ये 1 बार आपके पास OTP और गया है। तो अब यहाँ पे आपको जो है दूसरा OTP गया है उसे डालना है। तो मैं यहाँ पे देख ही ले रहा हूँ मेरे नंबर पे OTP आया है कि नहीं आया है। तो मेरे पास OTP आ चुका है, मैं यहाँ पे OTP डाले दे रहा हूँ। मैंने यहाँ पे OTP डाल दिया। इसके बाद जो है इसे नेक्स्ट कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट करने के बाद आपसे ये डेबिट कार्ड की डिटेल के लिए पूछ रहा है कि आप कार्ड पे कौन सा नाम चाह रहे हैं। ये डिफ़ॉल्ट में आपका उठा लेगा। अगर आपको यहाँ पे चेंजिंग करनी है तो यहाँ पे ऐड करके आप चेंज कर सकते हैं। आप जिस नाम से भी मंगाना चाह रहे हैं वो नाम यहाँ पे डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे दो ऑप्शन नीचे आ रहे हैं आपको चेक करने के लिए। तो यहाँ पे एक आ रहा है SBI इन टच ब्रांच, और जो है एक कॉरेस्पॉन्डेंट एड्रेस, यानी कि ये एड्रेस पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आपके घर पे जाएगा, बाकी अगर ऊपर फर्स्ट पे करेंगे तो आपको ब्रांच से लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो है मैं नीचे वाले पे चेक किए दे रहा हूँ, तो ये ATM जो डेबिट कार्ड है हमारा घर पे पहुँचेगा, और उसके बाद मैं इसे नेक्स्ट किए दे रहा हूँ।
नेक्स्ट करने के बाद ये देखिए आपके सामने एक रेफरेंस कोड आ गया है, इसका आप स्क्रीनशॉट यहाँ से ले लीजिए। मैंने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है, ठीक है, और इसे चाहे तो आप जो है नोट भी कर सकते हैं, इसे आप नोट भी कर लीजिए और स्क्रीनशॉट लेके इसका प्रिंट भी ले लीजिए। तो यहाँ पे ये रेफरेंस कोड आप जो है ले लीजिए। देखिए अब यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ, आपने ये डिजिटल सेविंग अकाउंट ओपन किया है तो इसलिए यहाँ पे रेफरेंस कोड इसने दिया है, जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था। अगर आप यहाँ पे इंस्टा सेविंग अकाउंट क्रिएट कर रहे होते तो यहाँ पर रेफरेंस कोड की जगह आपको अकाउंट नंबर देता ये, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर इंस्टा सेविंग अकाउंट में आपको अकाउंट नंबर मिल जाता सीधा, आपने डिजिटल सेविंग अकाउंट ओपन किया है तो यहाँ पे आपको जो है एक रेफरेंस कोड जनरेट करके दे दिया है, इसको लेके आपको ब्रांच जाना है। इसको आप ब्रांच लेके जाएंगे और जो है आपने किसी भी कर्मचारी को देंगे जाके, तो वहाँ से ये अकाउंट नंबर आपको निकाल के दे देंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये देख लीजिए, इस तरीके से आप जो है अकाउंट ओपन कर सकते हैं, यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस स्क्रीन शॉट का अगर चाहें तो आप एक प्रिंटआउट निकाल लें या जो है ये आप अपना कहीं भी नोट कर लें, ठीक है, जिससे कि आपको याद बना रहे, और इसे ले जाके आपको शाखा में देना है और वहाँ से आपको तुरंत ही अकाउंट नंबर प्रोवाइड करा दिया जाएगा। दूसरा, अगर इंस्टा सेविंग अकाउंट अगर ओपन कर रहे होते तो यहाँ पे रेफरेंस कोड की जगह आपको जो है सीधा सीधा जो है आपका अकाउंट नंबर मिल जाता, ठीक है दोस्तों। दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर जब आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा तो यहाँ पर जो आपने पहले अपना पासवर्ड बनाया था और जो मोबाइल नंबर डाला था, आप SBI योनो की साइट पे जाके अपना सीधा लॉगिन कर सकते हैं और वहाँ से सारी बैंकिंग फैसिलिटी ले सकते हैं। जी हाँ, दोनों अकाउंटों में आप चाहे ऐप में लॉगिन कर लीजिए या साइट पे जाके लॉगिन कर लीजिए, दोनों पे आपको सेम फैसिलिटीज़ मिल जाएंगी, ठीक है दोस्तों। तो इस रेफरेंस कोड की मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, इस रेफरेंस कोड की जो वैलिडिटी है वो 15 दिन है, 15 दिन के अंदर आप बैंक जाके जो है अपना इस रेफरेंस नंबर से जो है अकाउंट नंबर ले सकते हैं। 15 दिन बाद जो है ये आपका जो है रिजेक्ट हो जाएगा, आपको दोबारा से अपना अकाउंट जो है ओपन करना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। तो इसमें जो है इस तरीके से आप जो अपना घर बैठे जो है बिल्कुल आसानी से जो है अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही सिंपल तरीका है जो कि आप जो है इस तरीके से SBI का अकाउंट अपने घर बैठे जो है बिना लाइन में लगे, बिना कहीं जाए, बिना फॉर्म भरे अपना जो है डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं। इससे इजी सिस्टम मैंने अभी तक SBI में नहीं देखा था दोस्तों, ये बहुत ही इजी सिस्टम में SBI ने दे दिया है। तो अब इसमें जो है काफ़ी दिक्कतें कम हो गई हैं, जो कि अकाउंट खुलाने के लिए दिक्कतें आती थी वो हमारी ख़त्म हो गई हैं। तो चलिए दोस्तों, अब मैं इसे बंद की दे रहा हूँ और ये आपने देख ही लिया कि किस तरीके से जो है मैंने आपको अकाउंट ओपन करके दिखाया है। ये SBI का बहुत ही सिंपल स्टेप है जिस तरीके से आप जो है अकाउंट अपना घर बैठे ओपन कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है इस वीडियो में दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी, और पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना और कमेंट करके मुझे बताना ज़रूर कि ये वीडियो आपको कैसा लगा है। कोई कमी लगी है तब भी कमेंट करके बताना, और अगर अच्छा लगा है तब भी कमेंट करके बताना। अच्छा लगा है तो मुझे कमेंट करके बताना कि आपको क्या चीज़ इसमें अच्छी लगी है, और अगर कोई कमी लगी है तो उसे भी कमेंट करके बताना कि आपको इस वीडियो में क्या कमी लगी है, तो उसे मैं अगले वीडियो में सुधारने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों, चलते हैं अगले वीडियो में, मिलते हैं आपसे। इस वीडियो में इतना ही था, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कर देना, और जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं उनसे मैं फिर से कहना चाहूँ कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जो कि हमारे आने वाले वीडियो हैं उनको जो है आप आसानी से ही देख सकें।